भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आजादी के अमृत वर्ष की बेला चल रही है, इसी के चलते जगह जगह पर भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। हम आपको बता दें कि आज रायबरेली शहर के डिग्री कॉलेज के पास स्थित शहीद चौक पर होमगार्ड प्लाटून के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी। आजादी का अमृत महोत्सव लगातार मनाया जा रहा है और जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें देशभक्ति उमड़ रही है। लोग हर जगह पर एकत्रित हो रहे हैं और भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसी के चलते आज रायबरेली के शहीद चौक पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की उपस्थिति में होमगार्ड प्लाटून के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पुरुष व महिला होमगार्ड प्लाटून के द्वारा यह यात्रा देखते ही बन रही थी। पुलिस अधीक्षक के साथ में अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा रायबरेली शहर के डिग्री कॉलेज से प्रारंभ हुई, जिसमें होमगार्ड प्लाटून के सभी गार्ड तिरंगे के साथ नजर आ रहे थे और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में लगातार यह यात्रा आगे बढ़ रही थी। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर यश मोदनवाल के साथ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पे प्रतिदिन हम लोग के द्वारा कोई ना कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है और इसी क्रम में आज होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे होमगार्ड के जवानों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, जो एक निश्चित दूरी तय करके अपने गंतव्य पर पहुँचेगी। और इस पूरे यात्रा का जो अभिप्राय है वो तिरंगे का सम्मान, अपने राष्ट्रवाद का सम्मान, अपने आप को भारतीय कहलवाने में एक गर्व की अनुभूति और देश की अखंडता और एकता के लिए ये तिरंगा यात्रा ही सारे संदेश है। और हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं उस तिरंगा यात्रा में शामिल। मैंने आपको बताया कि पुलिस विभाग की तरफ से 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में तिरंगा यात्रा से संबंधित आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें आज प्रातः मैराथन दौड़ की अभी आपने होमगार्ड कमांडेंट की तरफ से ये कार्यक्रम देखा है, शाम को पैदल गश्त कार्यक्रम है। ये अभी आने वाले 17 तारीख तक लगातार प्रतिदिन कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहे। सर, 15 अगस्त को लेकर के जनपद को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 15 अगस्त को लेकर के जनपद को भाईचारे का, राष्ट्रवाद का और एकता का संदेश देना चाहता हूँ। हम सब भारतीय हैं और इसी को करके अपने देश को बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहें, यही हमारी भारतीयता की पहचान है।